Good morning, dear students. As we have already discussed about the first chapter of Wister's book, The Third Level. The Third Level, which is written by Jack Finney. Jack Finney, who is known for his scientific and thriller work. And this chapter, The Third Level, as I described you earlier, that signifies an escape from the modern world. Charlie, the protagonist of the chapter, wishes to be transported to the third level, which is considered much happier and quieter place to be. Okay, means Charlie, आपको मैंने पहले भी explain किया, जो इस chapter का protagonist है, वो कहाँ पहुँच जाता है? He reached at the third level of Grand Central Station. और वो actually क्या है? The third level signifies an escape from the modern world. क्यों? क्योंकि चार्ली, क्योंकि वो क्या हो चुका है, उसे रियलाइज हो चुका है दैट दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी. ओके, चार्ली हु इज अ वेरी सिंपल करेक्टर, ओके, स्पेशली फोंड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प एंड ही हैड इनहेरिटेड दिस हैबिट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस लाइन. एनी वे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. नाउ from this stanza, Charlie, the protagonist of the chapter, he wants to explain us actually what happened at the Grand Central Station, means how and when he reached there. Now look at here the story. One night last summer I worked late at office. Okay, means he was very late in his office and I was in a hurry to get uptown to my apartment. वो जल्दी से कहाँ पहुँचना चाहता था, अब अपने घर, अपने अपार्टमेंट में जाना चाहता था. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल. और वहाँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर उसने क्या डिसाइड किया, दैट ही वुड टेक सबवे. सबवे क्या होता है? एन अंडरग्राउंड रेलवे. अंडरग्राउंड रेलवे उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक अंडरग्राउंड वे सबवे चूज़ किया. क्यों चूज़ किया? बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. क्योंकि वो सबवे क्या था, बस से काफ़ी फास्टर था. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. नाउ चार्ली ही वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज. वो क्यों कन्फ्यूज है? दैट ही डिडेंट नो वाई ही चूज द सेम वे, कि उसने वो रास्ता क्यों चूज किया. एंड आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड. वो अपने बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, चार्ली के बारे में, दैट ही वॉज जस्ट एन ऑर्डनरी गाय. वो एक नॉर्मल सा पर्सन है नेम्ड चार्ली, हु वॉज ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड. और उसने क्या पहना हुआ था? ही वॉज वियरिंग अ 10 गार्बिडाइन सूट. गार्बिडाइन मीन्स कॉटन क्लोथ का उसने एक सूट पहना हुआ था एंड अ स्ट्रो हैट, एज यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर, विद अ फैंसी बैंड. जो हैट थी, हैट पर एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ था. आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी. As you can see here that I passed a dozen men. He was not all alone there. अकेला नहीं था. तो वहाँ से उसने काफ़ी लोगों को पास किया. They were just looking like him. चार्ली की तरह ही दिखाई दे रहे थे. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. Okay, here another character came and Louisa Charlie's wife. ओके, नाउ ही वॉज, वाई ही वॉज इन हरी, उसे जल्दी क्यों थी जाने की? बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू हिज वाइफ. वो अपनी वाइफ से जल्दी से मिलना चाहता था, हुज नेम वॉज लुइजा. आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th century. 20th century में जैसे आज हम किसी ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, जैसे हम ट्रेन लेते हैं, बिल्कुल जस्ट वैसे ही आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. ये एक प्लेस का नेम वहाँ से बताया हुआ है, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से वो किस तरफ मुड़ा? ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा. एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. और फर्स्ट लेवल पर वो वेंट डाउन, वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरा. और जनरली हम क्या करते हैं, जहाँ से हम अपनी 20th century में ट्रेन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. और वहीं से ही मैंने क्या किया, सेकेंड लेवल की एक और अनदर फ्लाइट वहाँ से कलेक्ट की.
वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, और जहाँ से क्या करती हैं, जो सब अर्बन मीन्स रेजिडेंशियल जो ट्रेन्स होती हैं वो वहाँ से लीव करती हैं, छोड़ती हैं, डक्ट इन टू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहीं से क्या होता है कि वहीं से वो क्या करता था, डक्ट इन टू एन आर्क्ड डोरवे, और वो रास्ता आर्क डोरवे की तरफ, आर्क जैसे शेप होती है उसी डोरवे की तरफ बना हुआ था, और वो कैसे हेड कर रहा है, कहाँ आगे बढ़ रहा था, हेडिंग फॉर द सबवे, वो सबवे की तरफ आगे बढ़ा एंड गोट लॉस्ट, और वहीं से वो क्या हो गया, गुम हो गया। नाउ दैट्स इजी टू डू, कह रहा है कि बहुत इजी था ये करना, और वहीं से वो खो भी गया। I have been in and out of Grand Central 100 times. कहता है मैं आज first time नहीं है, मैं Grand Central के अंदर और बाहर means not only one time, 100 times मैं वहाँ से अंदर जा चुका हूँ। But I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. Means every time मैं क्या करता हूँ, एक नए रास्ते, एक नए doorway, नई new stairs और new corridor में क्या कर देता हूँ, bump करता हूँ, टकर जाता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long. अपना अपने experience share कर रहा है कि क्या होता है उसके पास, जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल में एंटर करता है, एवरी टाइम ही गॉट इन टू अ न्यू टनल, एवरी टाइम ही मेट इन विद अ न्यू डोर, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, और एक बार तो क्या हुआ कि मैं कहाँ चला गया, एक बहुत लंबी टनल में घुस गया, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और वो कहाँ से बाहर निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी से। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th Street 3 blocks अवे, और एक बार और क्या हुआ, उसने बताया कि वह कहाँ गया, 3 ब्लॉक दूर पर क्या था, 46th number की जो स्ट्रीट थी वहाँ से वो एक ऑफिस में से, ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आया। मीन्स इस तरह से वो काफ़ी बार अलग अलग तरीके के अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर, चार्ली द प्रोटोगनिस्ट है जो हमारे इस चैप्टर का, वो हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, जैसे अभी उसने बताया, एवरी टाइम क्या होता है, मैं हर बार एक नई किसी टनल में एंटर कर जाता हूँ। कई बार उसने एक हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया दैट ही बम्प्ड विद द न्यू डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, तो उसको क्या बिलीव होता है, दैट समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, किसकी तरह बढ़ रहा है, एक ट्री की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और हर बार उसमें से क्या निकल आते हैं, न्यू कॉरिडोर्स आते हैं, न्यू स्टेयर केसेस निकलते हैं, जैसे ट्री की रूट्स होती हैं वो अपनी ब्रांचेस को इधर उधर फैला देती हैं, वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो हर बार मुझे एक न्यू एक्सपीरियंस बताता है, मीन्स एवरी टाइम आई रीच्ड एट द न्यू लेवल। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल That nobody knows about filling its way under the city right now. कह रहा है, अब बता रहा है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा that Grand Central Station किसकी तरह grow कर रहा है, एक tree की तरह, okay? और वहाँ से मुझे जैसे ही उसने tunnel में जैसे ही enter किया तो वहाँ उसको लगा शायद यहाँ पर probably कि वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ी टनल है जिसके बारे में nobody knows, किसी को नहीं पता, जो कहाँ से निकलती है, filling its way under the city right now, जो बिल्कुल जो सिटी के नीचे से निकलती है, on its way to Times Square, maybe another to Central Park, और यहाँ से वो Times Square से होती हुई निकलती है और ऐसा लगता है कि कहाँ तक जाती है, वो Central Park तक। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit. और शायद ऐसा भी पॉसिबल है क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है काफ़ी सालों से उसमें लोगों का बहुत आना जाना रहा है, ओके, थ्रू द ईयर्स मैनी पीपल हैड पास्ड फ्रॉम एंड इट हैज़ बीन एन एग्जिट ऑल्सो अ वे ऑफ एस्केप, और शायद ऐसा भी हो कि यहाँ से एस्केप का कोई और रास्ता भी हो सकता है, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गोट इन टू, और शायद ऐसा भी कि यही रास्ता है जिस टनल में मैंने एंटर किया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, पर मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में कोई भी बात शेयर नहीं की। एक्चुअली ही वॉज जस्ट डिस्क्राइबिंग What happened at the Grand Central Station, वो किसको explain कर रहा है, about to his psychiatrist friend, okay? The corridor I was in begin angling left and slanting downward and I thought that was wrong. जिस corridor में उसने enter किया वह वहाँ कहाँ से जाना था, उसने angling left
वहाँ से वो लेफ्ट की तरफ उसने मुड़ना शुरू किया था एंड और कहाँ स्लेंट कर रहा है वो, स्लेंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट, और एक बार तो मैंने क्या रियलाइज़ किया दैट इट वॉज द रोंग वे बट आई कैप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं अभी भी क्या कर रहा था, अभी भी मेरे कॉरिडोर का बिलीव नहीं था उसे दैट ही वॉज मूविंग ऑन राइट डायरेक्शन और रोंग, बट ही स्टार्टेड वॉकिंग. All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I didn't pass a soul. सिर्फ और सिर्फ मुझे वहाँ पर क्या रियलाइज़ हो रहा था, क्या सुनाई दे रहा था, only the sound of my own footsteps. And I didn't pass a soul means मैंने वहाँ से किसी और को आते जाते नहीं सुना. Okay, so this is all with today. We will continue the next video. Thank you.